ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, अवामी एहतियात और वैक्सीनेशन के समरात। सिंध सरकार ने पाबंदियां मरहला वार हटाने का फैसला कर लिया। 21 जून से प्राइमरी क्लासेस लगेंगी, दरगाहें और तफरीही मकामात भी खोलने की तारीख बता दी। आलमगीर वबा के वार में कमी, सिंध सरकार ने कर दी लॉकडाउन में नरमी। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। मुस्तकबिल के मामार इल्म की शमा रोशन करने की तैयारी पकड़ लें। सिंध में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से लगाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। दरगाहें 28 जून से खोली जाएंगी। तफरीही पार्क और इंडोर जिम्स भी 28 जून को खोल दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध के जेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया कि वैक्सीन की कमी के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रहेंगे। 1.5 मिलियन साइनोवैक की डोज 21 जून को आ जाएंगी। 23 जून को साइनोवैक की 7 लाख और पाकवैक की 4 लाख के सूबे को मिल जाएंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में केसेस में कमी हो रही है। मुस्बत शरह 3.9% पर आ गई। तहम कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8 और हैदराबाद में 4.3% है।